हैं तो हम सब लोग आते भी हैं, आप सब लोग भी आए हैं, दूर दराज से भी आए हैं, गांव से भी आए हैं, माताएं बहनें भी आई हैं, हम लोग सब लोग विद्वानों को सुनते भी हैं। और विडंबना ये है कि हम उनका अनुसरण नहीं कर पाते हैं। जब हम घर जाते हैं तो ये जो माताएं हैं वो फिर से अमावस्या की खीर, पूर्णिमा का चूरमा, बालाजी का रोट, माता की कढ़ाई, और फिर वो जो है भैरू बाबा के जो है यहाँ मालपुए, वो करने लगते हैं और हम लोग उनको सपोर्ट करने लगते हैं। और यहीं से पाखंड का शुरुआत होता है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चे वही अनुसरण करते हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो मैं आप सब लोगों से फिर से अनुरोध करूंगा कि जब, क्योंकि स्वामी आत्मानंद जी ने यहाँ पे बहुत परिश्रम करके और आप सब लोगों के सहयोग से आज देखिए ये कितना हरा भरा जो है बागान उनका लगाया हुआ पेड़ जो है विकसित हो रहा है, फलित हो रहा है। आचार्य श्री जी यहाँ पे अपना सर्वस्व त्याग के जो है आप लोगों की सेवा में उपस्थित हैं, आप उसका पूरा का पूरा जो है लाभ उठाइए। और जैसा हम कहते हैं आप लोग जो कहते हैं करनी और कथनी को एक साथ लेके आइए। आप जैसा करेंगे अपने आने वाली पीढ़ी के अपने बच्चे वैसे ही करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ सुनने के लिए हैं, बच्चे लोग अब यहाँ नहीं हैं, क्योंकि हमने उनमें वो जो है बीज अभी नहीं डाला कि कैसे कैसे आपको वैदिक पद्धति से जीना है, कैसे हमारे ऋषि मुनि यहाँ जी के गए हैं, कैसे हमारे वेदों में हमें जीने की कला सिखाई गई है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जब आएँ अपने छोटे बच्चों को साथ जरूर लेके आइए। कल से शनिवार इतवार रहेगा जो है कार्यक्रम और होंगे, छोटे बच्चे आएंगे तो जो वो सीख पाएंगे वो शायद आप सीख कर भी अपने जीवन में नहीं लागू कर पाएंगे, जो बच्चे उन बातों को अनुसरण करके अपने जीवन में जो है उसका लाभ उठाएंगे। मैं ज़्यादा लंबा व्याख्यान नहीं करूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ इतना।